गाइस, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले लोगों के लिए टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा हम किसी भी स्टॉक के प्राइस मूवमेंट की प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर आप भी ट्रेडिंग में बिगनर हैं या फिर ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं और आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ भी नहीं पता कि इसमें क्या क्या सीखना है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, टेक्निकल एनालिसिस कितने प्रकार के होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या सीखना चाहिए और टेक्निकल एनालिसिस करना क्यों जरूरी है। तो गाइस, वीडियो का एक भी पॉइंट स्किप ना करते हुए वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम किसी चार्ट के पुराने शेयर को देखकर उसके मूल्य का प्रेडिक्शन यानी अनुमान लगाते हैं कि उसका प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे, और टेक्निकल एनालिसिस से ही हमें पता चलता है कि शेयर को कब खरीदना है और कब बेचना है। अब आइए टेक्निकल एनालिसिस के प्रकार के बारे में जानते हैं। टेक्निकल एनालिसिस दो प्रकार की होती है, पहला है बाय रीडिंग चार्ट्स और दूसरा है बाय रीडिंग इंडिकेटर्स। बाय रीडिंग चार्ट्स वाले तरीके में हम विभिन्न प्रकार के चार्ट्स जैसे लाइन बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट की स्टडी करते हैं और उसे समझते हैं और चार्ट्स पर बन रहे अलग अलग पैटर्न्स को देखकर ट्रेड लेते हैं। बाय रीडिंग इंडिकेटर्स वाले तरीके में हम सिर्फ इंडिकेटर्स का उपयोग करके ट्रेडिंग करते हैं और इसमें चार्ट पैटर्न से कोई मतलब नहीं होता है। अगर इंडिकेटर बताता है कि भविष्य में किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है तो हम उस स्टॉक को खरीद लेते हैं, और जब इंडिकेटर ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करता है तो हम उस स्टॉक से एग्जिट करके प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अब आइए जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस में हमें क्या क्या सीखना चाहिए। गाइस, टेक्निकल एनालिसिस के अंतर्गत काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें सीखना बहुत जरूरी होता है, जैसे ट्रेडिंग वॉल्यूम को रीड करना, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को रीड करना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पहचानना, चार्ट पैटर्न्स को रीड करना, मोमेंटम को रीड करना, ट्रेंड लाइन को पहचानना और सही इंडिकेटर्स को यूज करना। अगर आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझ के और इनको प्रैक्टिकली फॉलो करते हुए ट्रेडिंग करेंगे तो आपकी प्रॉफिट होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आइए जानते हैं गाइस, टेक्निकल एनालिसिस क्यों जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस करने का सबसे पहला फायदा यह है कि हमें पहले ही पता चल जाता है कि किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। टेक्निकल एनालिसिस का दूसरा फायदा यह है कि टेक्निकल एनालिसिस से आप बहुत ही कम समय में ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का तीसरा फायदा यह है कि टेक्निकल एनालिसिस करने से ट्रेंड रिवर्सल का पता लगाने में बहुत मदद मिलती है। और टेक्निकल एनालिसिस करने का चौथा फायदा यह है कि टेक्निकल एनालिसिस से पता चलता है कि हमें स्टॉक में कहां पर एंट्री और कहां पर एग्जिट लेनी है और हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो गाइस, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।